सिनेस्टार आशुतोष राणा वोट देके निकले हैं, पहली प्रतिक्रिया हम जानना चाहेंगे। बॉम्बे से अपने गृह नगर गाडरवारा का सफर, वोट की क्या कीमत है? वोट की देखिए, वोट का कीमत नहीं होती, वोट के मूल्य होते हैं। तो प्राइस और वैल्यू, इनमें बहुत अंतर होता है आशीष। तो मेरा अपना ये मानना है कि बहुत मूल्यवान वरदान है जो हमको और आपको मिला है। लोकतंत्र में निश्चित रूप से मत के दो अर्थ होते हैं, एक तो होता है वोट जो अभी मैं करके आया, और एक होता है ओपिनियन जो मैं आपके माध्यम से व्यक्त कर रहा हूं। तो लोकतंत्र में किसी भी सजग नागरिक को बहुत सजगता और सतर्कता के साथ अपनी वोट और अपने ओपिनियन का को व्यक्त करना चाहिए, ताकि सारी की सारी हार्मनी, सारे के सारे शुभ और कल्याणकारी कार्य हम सिर्फ स्वयं के लिए ही नहीं, हम राष्ट्र के लिए भी कर सकें। तो मुझे लगता है कि ये प्राथमिक आवश्यकता होती है कि आप जो बोल रहे हैं कि बोलो चालो, बको मत, खेलो कूदो, थको मत, देखो भालो, टको मत, खाओ पियो, छको मत। तो कहने का अर्थ ये है जो अपने बुंदेलखंड में बोली जाता है जवाली बात। तो तात्पर्य जो है कि आप बोलना तो 2 वर्ष की अवस्था में सीख जाते हैं, लेकिन क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कब बोलना है, किससे बोलना है, इसे सीखते सीखते हमारा पूरा जीवन निकल जाता है। तो ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा आनंदकारी वरदान है जो हमको और आपको मिलता है कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कब बोलना है, किससे बोलना है। ये हुनर, ये गुण हमारे और आपके अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था कहीं ना कहीं देती है। तो मैं इस चीज में अखंड विश्वास करता हूं, और मेरे लिए लोकतंत्र के जो मायने, ये मैं आप लोगों से भी कहूंगा, ये निवेदन करूंगा कि क्या होता है, शब्द फलता है। आप जैसे शब्द फोलेंगे बोलेंगे, वैसे हमारी मानसिकताओं का निर्माण कर होने लगता है। तभी तो हमारे बुजुर्गों ने हमसे कहा जाप करिए। अब आपने कहा कि चुनाव लड़ रहे हैं, तो चुनाव लड़ने का नहीं, चुनाव जुड़ने का विषय होता है। तो ये हम और आप एक दूसरे से, तो अब लड़ रहे करके आपने हमारी मानसिकता जो जुड़ने की अवस्था थी, आपने उसको लड़ने की तरफ प्रेरित कर दिया, और हम देखते हैं कि फिर वो हमारे जीवन में, वो किन्हीं भी राजनीतियां हैं ये तो, लेकिन हमारे जीवन में विरोध की जगह वैमनस्य ने स्थान ले लिया। तो जो विरोध व्यक्तियों से नहीं, विचारों के प्रति होता है, और वैमनस्य व्यक्तियों से होता है। और राजनीति या लोकतंत्र जो है वो व्यक्ति का नहीं, वो विचारों का एक केंद्र होता है। तो मुझे लगता है कि इस चीज में थोड़ा सा, चूंकि आप चौथे स्तंभ हैं और आपके ही माध्यम से लोगों की बात, लोगों तक वो तमाम विचार पहुंचते हैं, तो इसमें आपकी महती भूमिका। अब हमारे हाथ में क्या, अगर हमें माइक मिल गया है तो अब हमारे ऊपर ये निर्भर करता है कि या तो हम आपको जोड़ने वाली बात कर दें, या हम आपको तोड़ने वाली बात कर दें। तो कहने का मतलब यही है कि मनुष्य ही मनुष्य को मारता और उतारता, मनुष्य ही मनुष्य को सवारता बिगाड़ता, मनुष्य ही मनुष्य का शत्रु और मित्र है, मनुष्य ही मनुष्य का इष्ट और अनिष्ट है, मनुष्य ही मनुष्य से दूर है पास है, और मनुष्य ही मनुष्य से प्रसन्न है उदास है। तो बात तो कहीं ना कहीं जो है किसी भी व्यवस्था की, तो हमारी और आपकी अवस्था ही व्यवस्था के निर्माण और चीजों के निर्मिति का कारण होती है। तो अगर हम अपनी अवस्था ठीक रखेंगे तो व्यवस्था अपने आप ठीक हो जाएगी। बेहद व्यस्तता भरी लाइफ है, कहीं अभिनेता का रोल भी है, कहीं रोल नहीं है, अभिनेता मेरा व्यवसाय है आशीष, ये मेरा व्यवसाय है। और व्यक्ति के रूप में मैं एक अलग व्यक्ति हूं, और व्यवसाय जैसे अब आपका व्यवसाय, आपको इससे जीविकोपार्जन हो रहा है, किससे, कि खबरों को यहां से वहां तक, व्यक्ति से समाज तक पहुंचाने के, ये जीविकोपार्जन। तो ऐसे ही अभिनय हमारा जीविकोपार्जन का साधन है। व्यस्तता के बाद बॉम्बे से यहां तक आ पाना, और आज हम देख रहे हैं पूरे देश में या प्रदेश में कहीं ना कहीं वोटिंग का परसेंटेज गिर रहा है, तो क्या संदेश उन लोगों के लिए होगा जो घर बैठे हैं, या अपने वोट का जो मूल्य कह रहे हैं आप समझना चाहिए? मेरा अपना ये मानना है कि जितना आवश्यक आपके लिए भोजन होता है, जितनी आवश्यक आपके लिए नींद होती है आपके उत्तम कल्याणकारी स्वास्थ्य के लिए, उतनी ही आवश्यक आपके लिए वोटिंग है। तो कितने ही व्यस्त आप क्यों ना हो, यदि आप अधिक व्यस्त रहना चाहते हैं तो अपनी उस व्यस्तता के दौर में से ये समय निकालिए, ताकि आप और अधिक पहले से व्यस्त रह सकें और मस्त रह सकें। तो इसके लिए आप कहीं पे भी जाएं, तो भोजन के लिए हम समय निकालते हैं,
नींद के लिए हम समय निकालते हैं, तो हमें अब 5 वर्षों में सिर्फ एक अवसर आता है, तो हमें वोटिंग के लिए भी समय निकालना चाहिए। वोट कर क्या, वोट कर आप कह रहे थे जी, क्या संदेश है 4 घंटे? हाँ, मेरा ये मानना है कि समय खड़ा है सामने, जो कह रहा है लौट कर तो वोट कर, तो वोट कर, वोट कर, है ना। ये मूल मंत्र तंत्र का, ये मंत्र लोकतंत्र का, तो देश हित में वोट कर, तो वोट कर, वोट कर, वोट कर, दिशा बदल, दशा बदल, या फिर उसी दिशा में तर, तुझी में सिद्धियां है सब, तू वज्र है तू चोट कर, तू वोट कर, वोट कर, वोट कर। लोकतंत्र की बात करें, आप बहुत अच्छे से लोकतंत्र की बात करते हैं। लोकतंत्र और मतदाता, कितनी कितनी दोनों की आप मूल्य मानते हैं, कि लोकतंत्र की क्या अहमियत है भारत के लोकतंत्र की खासतौर पर, और एक मतदाता की कितना बड़ा उसका किरदार होता है? देखिए, मेरा अपना ये मानना है कि लोकतंत्र की सबसे बड़े आनंद का विषय ही यही होता है आशीष, कि आप सड़क पे रहने वाला व्यक्ति जितना सजग जितना सक्षम होगा, उतनी ही संसद में बैठने वाला व्यक्ति भी सजग सक्षम और सहृदयी होगा। तो सड़कें अगर जगी रहीं तो संसद सजी रहेगी, और संसद यदि सजी रही तो सड़कें जगी रहेंगी। तो लोकतंत्र को सिर्फ और सिर्फ हम 545 तक ही सीमित ना रखें, कि जो सड़क से चुन के 545, तो चुनने वाला चुने गए से अधिक प्रवीण होता है। तो मेरा अपना यही मानना है, तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा वरदान है कि आपकी मत, आपकी बुद्धि, आपके चिंतन, आपके चित्त, आपके चरित्र के ऊपर इतना विश्वास किया जाता है इस व्यवस्था में, कि जिसे आप चुनेंगे वह आपकी सेवा के लिए रत हो जाएगा। तो मेरा अपना यही मानना है, तो ये बहुत बड़ा वरदान है। थैंक यू। आशुतोष राणा, फिल्म अभिनेता, बता रहे थे कि यदि आप अपना मतों का उपयोग करते रहेंगे तो सड़कें भी जगी रहेंगी और संसद भी सजी रहेगी। नरसिंहपुर से मैं आशीष जैन।